वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने देखा कि मैं अभी उठा था, अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मुझे जाना है 8 बजे। आपको भी ले जाने वाला हूँ मैं वहाँ पर, और शायद ही उस जगह पे किसी ने व्लॉग बनाया होगा या उसको किसी ने एक्सप्लोर किया होगा। बाहर से तो सभी ने दिखा दिया होगा, बट शायद ही किसी ने अंदर की जगह से उसको एक्सप्लोर किया होगा या किसी ने दिखाया होगा, शायद ही। आज मैं आपको वहाँ ले जाने वाला हूँ, अपने ब्यावर से 10 किलोमीटर की साइड में। श्री सीमेंट के नाम से प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है और उसके अंदर इतने मेंबर काम करते हैं, मिनिमम 4 से 5 हज़ार लोग उनके अंदर काम करते होंगे और उसमें लेडीज़ जेंट्स सब आते हैं। आप अंदाज़ा लगा ही लो इसी से के कितना बड़ा होगा वो प्लांट। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बाहर से तो सभी ने दिखाया होगा, आज आपको अंदर से मैं दिखाने वाला हूँ। तो पूरा देखना व्लॉग और बने रहना व्लॉग में, मैं आपको हर एक चीज़ मैं आपको सारा बताऊंगा। आप भी देखना, अपना फ्रेंड है उसके पास चलते हैं यहाँ से सीधा लखन, और वो अपने को थोड़ा बहुत बताएगा प्लांट के बारे में, क्या है क्या नहीं। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँगा और बाकी जो भी होगा लखन भाई बताएगा अपने को। और हाँ, एक बात, अंदर किसी को एंट्री नहीं होती है, इसके अंदर वो इंसान जा सकता है जो वर्कर होता है, अंदर काम करते हैं। कि मैं भी इसके अंदर ही वर्क करता हूँ और लखन भाई भी इसके अंदर ही वर्क करते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर चलकर। पहले लखन भाई के पास चलते हैं। तो फाइनली अपन लखन भाई के पास अब पहुँच चुके हैं, आइए मिलते हैं लखन भाई से। लखन भाई, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? ये है लखन भाई और ये अपने फ्रेंड एम आर सुरेंद्र बन्ना, और अपन चलते हैं सीधा अंदर की ओर और यहाँ के सिनेमेटिक कुछ दिखाऊंगा आपको। ये है कुछ अंदर आने का रास्ता, और बिना गेट पास के अंदर आने नहीं देते हैं। और देख ही सकते हो जो ब्यावर इस कारण से फेमस है क्योंकि प्लांट है का। तो आपको दिख ही रहा होगा ये कितना बड़ा प्लांट है, कितना क्लीन है यहाँ पे, और प्लांट तो जितना घूमो उतना कम है। अगर अपन अगर बाइक पे भी अगर घूमने निकले तो भी एक दिन पूरा लगता है, इतना बड़ा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं भी यहाँ पर वर्क करता हूँ, यहाँ पर 2-3 चीजें कंपलसरी है। जैसे कि पहले हेलमेट, इसको मैं पहनता हूँ ऐसे। कैसा लग रहा हूँ बताना गाइस, कैसा लग रहा हूँ? देख सकते हो इतनी बड़ी है ये कि घूम भी नहीं सकता ढंग से, और इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, करूँगा अभी कुछ टाइम बाद। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट मिला है और अभी मैं इसके बारे में, इस प्लांट के बारे में, श्री सीमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। तो लखन भाई यहीं के ही है, इसी प्लांट के पास में ये गाँव है अंधेरी देवरी, वहाँ पर रहते हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं। तो लखन भाई, ये प्लांट कितना बड़ा होगा? 15 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 15 से 20 किलोमीटर के अंदर ही है पूरा प्लांट फैला हुआ है, इतना बड़ा है। और यहाँ पे जो वर्कर होंगे वो आपके हिसाब से मिनिमम कितने होंगे? एक फुट में आते हैं कम से कम 1500 ऐसे भी जाते हैं। तो भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 शिफ्टें चलती है, तो एक शिफ्ट के अंदर 1500 से 2000 लोग यहाँ पर काम करते हैं, डे और नाइट दोनों चलते हैं। अपन 2 शिफ्ट कब कब चलती है? सुबह चलती है 8 से 8, शाम को 8 से फिर सुबह 8। तो 24 घंटे ये जो प्लांट है ओपन रहता है, यहाँ वर्क चलता रहता है। तो लखन भाई, जो जिसका ये प्लांट है उसका नाम क्या है? बांगड़ सेठ। तो ये प्लांट है जो बांगड़ सेठ, तो उसका नाम है, तो उसका सिर्फ ये एक ही प्लांट है या और भी हो गया? विदेशों में, सऊदी में, सब्जी के पुणे में, हैदराबाद, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, कर्नाटक। अब भाई ने क्या बोला
कि सिर्फ इनका ये एक इतना बड़ा प्लांट नहीं है, और भी जगह है, और भी कंट्री में, और भी सिटी में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के आउट भी उनके बहुत सारे प्लांट है बड़े बड़े, इसमें इससे बड़े बड़े होंगे वहाँ पे, तो इससे डबल बड़े, इससे डबल डबल होंगे और है। और यहाँ पे जो माल आता है, जहाँ जो मतलब वर्कर काम करते हैं उसको, उनके लिए माल आता है, उनके लिए अलग ही ट्रेन है, एक ट्रेन के अंदर ही माल आता है, सब कुछ होता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ट्रेनें आती है और जो भी माल होता है इसके अंदर जो भी काम में आता है वो सारे ट्रेनें लेके आती है। इधर से देख सकते हो आप, बिल्कुल पर्सनली है, इनके लिए ट्रेन चलती है। तो आप ये देखो, एक ये रेडी हो रही है जाने के लिए, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये प्लांट कितना बड़ा होगा। और ये जो आपको दिख रहा है कुछ, इसके नीचे वहाँ से यहाँ ट्रेनें लोड होती है, यहाँ उतरता माल सारा कुछ, सब जो भी होता है। प्लांट इतना दूर है देख सकते हो, तो यहाँ ट्रेनें आती है, यहाँ से माल अंदर जाता है, फिर अंदर जो भी होता है काम में आता है। जो आप देख सकते हो इतना दूर दूर तक है, जितनी नज़रें फैलाई जाए उतनी कम है। ये ट्रेन है और ये देख सकते हो आप कितनी दूर तक जा रही है, वहाँ तक माल जाता है। देख सकते होंगे आप यहाँ का व्यू, कितना बेस्ट व्यू है। अंदर तो अलाउ है नहीं आपको घूमने के लिए, बोलता बट अंदर अलाउड है नहीं। मैं भी यहाँ पर हूँ तो मैं वर्कर के हिसाब से हूँ यहाँ पर, और मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो किसी को पता नहीं यहाँ पर, क्योंकि अलाउड नहीं है कैमरा यूज़ करना यहाँ पर। यहाँ पर भी कैमरा लग रखा है बट चुपके से बना रहा हूँ, क्योंकि दिखा दूँ आपको भी, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, इतना तो घूमा नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला है। बट आज टाइम निकाल के आया हूँ लखन भाई के साथ में, लखन भाई की मेहरबानी है कि इन्होंने मेरा व्लॉग में साथ दिया। और ये जो सारी चीज़ें जो कभी मैंने देखी नहीं है, ब्यावर में 15 साल से रहते हुए मैंने कभी देखी नहीं, वो इन्होंने दिखा दी मेरे को आज। ये अपना श्री का चिन्ह, जो भी जो सीमेंट होती है श्री सीमेंट, उसका चिन्ह है ये, देख सकते हो आप, श्री पावर, श्री पावर नाम ही काफ़ी है। और जैसे कि ये सामने दिख रहा है आपको, ये है पैकिंग प्लांट, यहाँ पे सारा जो भी माल आता है ट्रेनों से इन गाड़ियों में लोड होता है। इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा बट जो ऊपर से पैकिंग होकर फिर नीचे आता है, और फिर यहाँ से जो भी होता है माल सारा जाता है जिसको चाहिए जहाँ चाहिए। अब इतना कुछ है कि पूरे एक ब्लॉग में दिखा नहीं सकता, टाइम मिला तो सेकेंड ब्लॉग भी लाऊँगा आपके लिए इसी प्लांट का, बने रहना। और मेरे को तो उस ऊँचाई पर जाना है, चाहे कभी भी जाऊँ पर एक बार जाना है उसके ऊपर, अगर लखन का सपोर्ट रहा तो वहाँ तक भी ले जाएगा। अपन ऊपर लखन लंच हो रहा है तो लंच में जा रहे हैं अभी, अभी लंच का टाइम भी हो गया है, टाइम हो गया है अपना, एक बज चुका है, सुबह 8 बजे होता है स्टार्ट, 1 बजे लंच, 2 बजे वापस आएंगे। फिर आपको दिख रही होगी इतनी बड़ी, वो वहाँ भी चलना है एक बार तो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों पहना हुआ हूँ, मैंने सेफ्टी बहुत जरूरी है। यस, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और हाथ में ग्लव्स भी है बट अभी काम ख़त्म करके आए तो ग्लव्स वग्लव सब उतार के आगे, सिर्फ ये कंपलसरी है, ये नहीं होगा तो वापस एंट्री नहीं देंगे अंदर। और एक बात और के बालों की हालत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए इसको लगा रखा है। अब हो गया लंच टाइम, चलते हैं खाना खाने के बाद में फिर से आएंगे, बना रहना व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 बजे लंच हुआ था, उस टाइम खाना खाने गए थे, उसके बाद वापस आए और काम किया। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है और टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। जो मैं काम करता हूँ वो मैं आपको दिखाने वाला था बट नहीं दिखा पाया। अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट व्लॉग और लाऊंगा एक, और उसके अंदर मैं दिखाऊंगा पूरा आप सबको कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, जो भी होगा
आज का ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू।